बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन की आमद आमद है और हमने आपके लिए कौमी और सूबाई असेंबली के मुख्तलिफ हलकों से साबका इंतबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज जिस सिलसिले की हमारी 43वीं वीडियो है, 43rd वीडियो, और आज हमारा कौमी हलका है, हमारी जो नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो है NA43 टांक कम डेरा इस्माइल खान। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये हलका 2023 की हलका बंदियों में क्रिएट किया गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला टांक मुकम्मल और डेरा इस्माइल खान के कुछ इलाके इस हलके में शामिल किए गए हैं। 2018 से 2023 तक इसका पुराना नाम NA37 टांक था और अब नई हलका बंदी के मुताबिक इसका नया नाम NA43 टांक कम डेरा इस्माइल खान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस हलका में जो आखिरी इंतखाबात हुए वो 25 जुलाई 2018 को हुए, तो 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन जो मुकाबला था वो 3 कैंडिडेट्स में देखने में आया। एक आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंदी, इन्होंने 13,569 वोट हासिल किए, 13,569, और के हबीबुल्ला खान, इन्होंने 16,599 वोट हासिल किए, 16,599, और रनर अप रहे। और MMA के असद महमूद, मौलाना असद महमूद मुहद्दा मेजर से अमल के असद महमूद, इन्होंने 28,504 वोट हासिल किए, 28,504 वोट्स, और ये इस हलका से कामयाबी अपने नाम कर पाए, यहाँ से जीत गए। ये इस हलका के कुछ स्टैट आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 3,91,885, रजिस्टर्ड वोटर्स 1,80,872, मेल वोटर्स 1,34,000, मेल वोटर्स 1,03,498, फीमेल वोटर्स 77,374, और वोट डालने की शरह यानी टर्नआउट 44.21 रहा, और मेजॉरिटी हासिल की MMA के असद महमूद ने 11,905 वोट्स, 11,905 वोट्स, और नतीजा ये रहा कि MMA ने PTI से ये सीट छीन ली, PTI से ये सीट इन्होंने हासिल कर ली। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इस हलका से जो साबका इंतबात के नतज थे वो हमने आपको उनसे आगाह किया। आपसे गुजारिश है कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार, अपनी फेवरेट पार्टी और इलाके के अंदर डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें, और ईडन गार्डन टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।